हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, यूनिक, नाइस, ऑसम, गजब। जितना इसके बारे में कहूँ उतना कम है, क्योंकि आज मैं खुद एक व्लॉगर के साथ व्लॉग शूट करने वाला हूँ। उनका नाम है शुमाइल। और गाइस, आज की लोकेशन है धामपुर के अंदर, जो यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर है। हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुमाइल भाई के पास। लोकेशन पे तो बात को जाएंगे ना, पहले जिनके साथ मैं व्लॉग शूट करने वाला हूँ उनके पास चलते हैं। निकल चुके हैं चांदपुर से, और मैंने आपको बताया था सुमाइल भाई के बारे में, वो मेरे पास ही बैठे हुए। हेलो गाइस, लोग जा रहे हैं एक साथ, हमने कोलैब किया है। और जो जीशान की ऑडियंस है यूट्यूब की, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है वो जीशान को फॉलो करे। हाँ, ये कर लो पहले। तो आप लोग देखिएगा, हमारा बहुत अच्छा ब्लॉग होगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चैलेंज एक दूसरे को हम दे ब्लॉग के अंदर। बहुत ही यूनिक होने वाला है। एक दो दफा हमने रील्स बनाई है इंस्टाग्राम पर, और आज व्लॉग का मौका मिला है, तो व्लॉग शूट करने चल चुके हैं हम लोग धामपुर की साइड। को एक चीज नजर आ रही होगी पीछे, कुछ तो बोल आफिया, कुछ तो बोल अल्लाह के वास्ते। अरे कुछ तो बोल। ये बनेगी व्लॉगर, क्योंकि बचपन से व्लॉग शूट कर रही है भाई, मतलब के जिस दिन हुई थी उस दिन से व्लॉग में, मतलब हर व्लॉग में आती है ही, और बहुत मजे रहती है। इधर कभी उधर, कभी रोना, कभी ये, बहुत ही चीजें होती है बड़े यूट्यूबर के साथ। भाई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ तेरे जैसे। चांदपुर वालों ने बहुत प्यार दिखाया, बड़े काम हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार रहा तो जरूर इतने आगे जाएंगे। हमें तो अभी तक इतनी तारीफ आई नहीं, लेकिन सुमाइल भाई के मैंने कमेंट भी पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आती है। तो मैं भाई बोल रहा है, और मैं भी भाई की बातें सुन रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी न्यू है तो पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी हम तो अंडिशन बोलते रहते हैं। बात तो सही है भाई, हम लोग आधे रास्ते मिनिमम पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है पता है। और आजकल माहौल खराब भी चला है, कहीं चीता ना आ जाए। क्योंकि हमारे इधर हमारे चांद में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, अफवाह नहीं है। पहले परसों रात में मैं भी था, इनके हमारे घर के पास ही था। हाँ, मैं कह रहा था ना आपसे कि ये जो मस्जिद के साइड रहते हैं शुमाइल भाई, तो वहाँ पे एक मोटो पता नहीं क्या नाम से वो है, वहाँ पे एक बकरी, मुफ्ती सराय सीतला में, तो वहाँ पर एक चुकी वालों पे जो बकरी को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। एक बूढ़ी औरत थी, उसमें मतलब उसके हल्का सा पंजा लगा था। आप लोगों को पता है बिजनौर का केस, चार बकरियां मंगाई थी शेर को पकड़ने के लिए, दो बकरी चोर ले गए और दो बकरियां शेर ले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई 65 किलोमीटर दूर है चांदपुर, चांदपुर से मतलब टाइम कितना है अभी देखो, ज्यादा लग गया मेरा, क्योंकि नूरपुर भी निकल गया, नूरपुर के बाद अब सिवार आने वाला। हाँ लगभग 50-50 तो वेट ही आएगा। हाँ शुरू में तो मतलब गूगल पे तो ऐसे ही दिखाता है, कम दिखाता है भाई, लेकिन जब हम गाड़ी लगा देते हैं ना, तो जब जाके पता चलता है। हाँ, एक्सीडेंट होता है, और फिर अंदर को जाना है, जिस लोकेशन पे जाए उसके लिए फिर अंदर को जाना है, 5-6 किलोमीटर अंदर नहीं पड़ जाता है। पूरा सोम शाम पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल, जो बाघ आए हुए हैं वो इसी इलाके में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले बाढ़ आ गई थी, तो इधर उधर हमारे इलाकों में सेफ है एरिया नहीं है। वैसे हम बाइक को साथ हैं यहाँ पे काफी बार, नींद क्योंकि हमारा जो इलाका है, हम चांदपुर से नींद काफी बार आए हैं खाने चिकन शोरमा, और चिकन नींद बस कुछ पल की दूरी पे है, आने वाला है नींद, आने वाला है बस थोड़ी सी दूर, आएगा उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो भी आएगा, मगर हमारा फिर ड्यूरेशन पहले से आएगा। अच्छा, उसके बाद नींद उड़ के बाद आएगा, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, एक दिन जाना है हमें कब्रिस्तान, और उससे पहले हम जा रहे हैं घूमने। शाम से मौसम थोड़ा सा ऐसा हल्का सा हो गया था। हाँ बारिश हो रही है भाई, लोगों बारिश पड़ने लगी, बारिश पड़ने लगी, शीशे पे देख सकते हैं। और सुमाइल भाई हीर को लेते हुए, क्या करूँ भाई, घर गृहस्थी वाला हो चुका हूँ साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, इसलिए लेना पड़ता है, बच्चों का भी ख्याल करना पड़ता है।
बहुत ही मेहनती आदमी भाई, और हल्की से भाई भी पढ़ने लगे यार। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पर लेकर आया हूँ इस्माइल भाई के साथ, लोकेशन प्लेस जो ये है धामपुर के अंदर, और बहुत ही ज्यादा आप लोग फैमिली के साथ थोड़ा खर्चा तो होगा मगर आई होप मजा बहुत अच्छा है, दिखाते हैं आप लोगों को। चलो तो चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत ही प्यारा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। देख रहा हूँ मगर जो टेस्टी होगा आई होप मंगाऊंगा, कोई कुछ चक्कर अच्छा अच्छा मंगाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट है हमारे किसी काम का नहीं, और जूस वगैरह लंच देखते हैं। लंच का 12 बजे मैंने सूप एंड लिक्विड टाइप बुक करने वाले थे, लेकिन भाई एक काम बड़े गया हमारा, शुमाइल भाई अपना फोन ले गया। पिछली बार इसी चक्कर में मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, अब वो गाड़ी में ले गया, मैं जाके जल्दी से देखा। आगे जा भाई, थोड़ा सा धक धक तो होती है कि इतने का व्लॉग नहीं बना जितना का नुकसान हो गया भाई। ओ, मेरा मोबाइल अंदर था भाई, दिल को सुकून मिल गया भाई। थोड़ा मसला ऐसे हो जाता है, मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वैसे भी अभी नया मोबाइल लिया, देख लीजिए पहले नोट 2 था, अब 1+ 10T। अच्छा 1+ का चल रहे उसी जगह पर जहाँ पर हम गए थे फर्स्ट फ्लोर पर। लेकिन एक सेकेंड बेकार है भैया, मोबाइल के बिना जान निकल जाती है, मोबाइल ऐसा हो गया जैसे गाड़ी ले गई। हम लोग को खाना था और नीचे मिला है भाई, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे खाली ओनली वेज 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 है। अभी हम जा रहे हैं सेकंड या फोर्थ फ्लोर पर। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर कुछ था नहीं, ओनली वेज वेज था। आगे भाई अगर आपको नॉन वेज खाना है तो आप फोर्थ फ्लोर पर जा सकते हो। यहाँ आके देखा भाई अलग ही वाइब आ गई भाई, यहाँ पर ऊपर आसमान खुला और इधर की साइड भाई क्या भाई, जितनी तारीफ करो भाई उतनी कम है। बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो गया था, एंड अभी भाई सफाई कर रहे हैं, एक टेबल हमारे लिए रेडी करे। आपको आना हो फैमिली के साथ तो भाई यहाँ पर आना, बहुत ही मतलब के सपना जितने भी आपके फैमिली वाले सब खुश हो जाएंगे। वैसे आप तो होंगे ना, हाँ मटन लैब से भाई अभी ऑर्डर आने में चीन लगेगी, क्योंकि सीट ये पानी और गिलास ही देखे गए, इतने पानी पी लो क्या जा रहा है भाई, मज़ा आ गया भाई ठंडा पानी। तो भाई अभी ऑर्डर आने में थोड़ी लेट है, जब भाई थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इतने आकर किचन देख लीजिए, उन्होंने किचन भी बिल्कुल सामने ही बना रखा भाई, ये किचन इनका और यहीं पे सारी चीज़ें रेडी करते हैं, एंड बहुत ही प्यारा बनवाए। अबे यार कम से कम 20 मिनट के बाद ठीक कबाब पति आया, ये तो दाल में छोड़ जाएगा भाई, जल्दी से मंगाओ भूख लगी है खाना तो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, मजेदार। कैसा लगा स्माइल भाई? भाई अभी तो मैंने खाया नहीं, अभी खाऊंगा, लग बड़ा बढ़िया रहा है देखने में। स्माइल भाई अभी एक ही चक्कर में, लेकिन भाई मजा आ गया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अफगानी चिकन भाई, यहाँ का अलग ही टेस्ट है भाई। गाइस फाइनली हम लोग खाना खा चुके हैं, और बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ा आया खाना खाने में, प्यारा बना हुआ है भाई रेस्टोरेंट ये धामपुर के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एंड बाकी की बातें मैं आपसे घर पर जाके बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लोग आ चुके हैं अपनी कार की तरफ और कार ये खड़ी, अभी बहुत ही ज़्यादा मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, मेरे जो बाल उड़ रहे ना इनके लिए ये हवा की वजह से उड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है भाई, और बहुत ही अच्छी जगह पर बैठ के हमने अपना खाना वाना खाया, एंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ओवर एक्टिंग करता साला। हम लोग आ चुके हैं धामपुर से, हम चांदपुर के अंदर है, ला के दिया मैंगो शेक, शेक है जूस है, मैंगो जूस शेक है, मैंगो शेक, मैंगो शेक जो भी है अच्छा है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, और आप सोचोगे रात से दिन कैसे हो गया, मैं यार रात ही पूरा व्लॉग शूट कर लेता, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और रात बातें भी करता, लेकिन बस अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।